नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सिलिकॉन तत्व के बारे में। मुझे उम्मीद है कि सिलिकॉन तत्व आप में से कुछ लोग ही उपयोग करते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक इसका उपयोग नहीं करा होगा। लेकिन आज के वीडियो में ये इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलिकॉन को अगर हम खेत में नहीं डालते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और यदि डालते हैं तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिलिकॉन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखियो दोस्तों, सिलिकॉन एक अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट की, तो पौधे के लिए 17 न्यूट्रिएंट आवश्यक होते हैं। तो उन 17 के अलावा, जैसे 17 जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें से एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है, एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। लेकिन सिलिकॉन न तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, न सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है और न ही ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। मतलब एफ निकोलस नाम के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने 20 तत्व बताए टोटल, जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा 4 जो जोड़े थे उसमें सिलिकॉन एक महत्वपूर्ण है। सिलिकॉन पौधों को न्यूट्रल फॉर्म में अवेलेबल होता है। मतलब हम सिलिकॉन के भी हम बात करें तो यह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रकृति होती है यह न्यूट्रल होती है। जैसे आपको पीएच पता होगा कि अधिकतर जो न्यूट्रिएंट पौधों को मिलते हैं वो 6.5 से 7 यदि पीएच है मृदा का, तो उस स्थिति में पौधे को सारे तत्व प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि पीएच अधिक बढ़ जाए, मान लीजिए 7 से अधिक हो जाए, या पीएच कम हो जाए 7 से कम, तो इस स्थिति में पौधों को कई तत्व प्राप्त नहीं होते। जैसे नाइट्रोजन देते हैं आप, फॉस्फोरस देते हैं, पोटास देते हैं, ये सारे तत्व फिक्स हो जाते हैं यदि पीएच बढ़ जाए तो। तो सिलिकॉन का सबसे जो एक इम्पोर्टेंट फायदा है वो है पीएच बैलेंसर। अगर ये खेत में अगर हम देंगे तो पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। और यदि आपका पीएच बैलेंस रहेगा, देखिए खेती के लिए सबसे जरूरी है पीएच, यदि आपका पीएच बैलेंस है तो 100% मैं कहता हूं कि आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो पहला फायदा जो इसका हुआ, पीएच मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा इसका फायदा हुआ है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो है एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस। इसको क्या मतलब, जब पौधे में फंगस का अटैक होगा, जब पौधे में बैक्टीरिया का अटैक होगा या पौधे में बीमारियों का अटैक होता है, तो उस कंडीशन में यदि पौधे में सिलिकॉन उपस्थित है तो पौधा या तो टॉलरेंस होता है, मतलब सहनशील होता है बीमारियों के प्रति, या तो रेसिस्टेंट डेवलप होता है। दूसरा एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब पौधे में जब एबायोटिक स्ट्रेस डेवलप होते हैं, मान लीजिए कि आपकी मृदा में अचानक ही अम्लीयता बढ़ गई, या आपकी मृदा में क्षारीयता बढ़ गई, या आपकी मृदा में कोई तत्व की मात्रा बढ़ गई, तो इस कंडीशन में जब हम सिलिकॉन लगातार हम देते रहते हैं या 1 से 2 बार जब इसको उपयोग करते हैं, तो यह पीएच को बैलेंस करके पौधे को नॉर्मल कर देता है, जड़ों को नॉर्मल कर देता है। तो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को मैनेजमेंट करता है। इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा है सिलिकॉन का, वो है पौधे में नमी बनाकर रहता है। मतलब जमीन में जब आप, मान लीजिए जैसे आप सिलिकॉन का उपयोग करते हैं स्प्रेडर के रूप में, है ना, और इसको जमीन में भी आप देते हैं, तो लंबे समय तक नमी बनी रहती है। दूसरा, यदि पौधा आपका मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन है, मान लो तापमान अधिक बढ़ गया या मान लीजिए कि सूखे की स्थिति हो गई, उस स्थिति में यदि आप सिलिकॉन देते हैं तो 100% आपकी फसल स्ट्रेस से खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो है, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा सिलिका के रूप में पौधों में पाया जाता है, जमीन में पाया जाता है। सिलिका एक मृदा होती है, मतलब एक सिलिका को हम एक तरह से SiO2 कह सकते हैं, इसी को सिलिकॉन ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये निर्धारित करता है कि जमीन एसिड होगी, कि जमीन न्यूट्रल होगी, कि जमीन बेस होगी, मतलब क्षार होगा। इसलिए सिलिकॉन का बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिलिकॉन के कुछ इंपॉर्टेंट्स और हैं, जैसे ट्रांसपायरेशन। अगर पौधा पानी अधिक उड़ाएगा तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन कम होगा। यदि पौधा पानी अधिक उड़ाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, तो इस कंडीशन में यह पौधों की जो सेल वॉल होती है, जिसको हम बोलते हैं लिग्निन, लिग्निन के निर्माण में यह सहायक होता है। प्लस जो सेल वॉल में एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस में यह बैठ जाता है सिलिकॉन, किसके रूप में, सिलिकेट के रूप में। तो इस स्थिति में भी यह एज अ फिजिकल बैरियर का काम करता है। बीमारियां कोई भी आई, बाहर से कोई फंगस आती है, तो उसको यह रोकने का काम करता है।
सिलिकॉन के बहुत सारे फायदे मैं आपको गिना सकता हूँ, लेकिन आप उपयोग करते हैं नहीं करते हैं ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप जरूर सिलिकॉन का उपयोग आप खेती में करिए। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे देखे गए हैं। फोटोसिंथेसिस, पौधे में फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, मतलब जब हम सिलिकॉन देते हैं तो हरापन पौधों में आता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जैसे आपका मान लीजिए नाइट्रोजन है, आपका फास्फोरस है, आपका पोटास है, आपके माइक्रोन्यूट्रेंट है, आपके अन्य तत्व आपने ज़मीन में दिए हैं, जमीन में ये रहते हैं, जब हम सिलिकॉन देते हैं तो यह इनको अवेलेबल करवाने का काम करता है। तो इस तरह से पौधों में जब हरापन होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत अच्छी होती है, और फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस अच्छी होती है तो उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो सिलिकॉन के इतने फायदे हो सकते हैं। सिलिकॉन को हम कौन कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं? देखिए, सिलिकॉन एक भूमि सुधारक भी है, तो इसको हम सब्जियों की फसलें हैं आपकी, मिर्ची की फसल है आपकी, टमाटर की फसल है, प्लस सबसे ज़्यादा इसका उपयोग हम पैडी में करते हैं। पैडी मतलब कि आपका जो चावल होता है उसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पत्तियों को इरेक्ट बनाने के लिए, जो हमारा होता है पत्तियों को सीधा बनाने के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। तो सभी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे फल हो, फूल हो, सब्जियां हो, इसका उपयोग आप डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरा है कि पौधों को प्राप्त कैसे होता है? तो पौधों को यह मोनोसिलिसिलिक एसिड के रूप में प्राप्त होता है। मोनोसिलिसिलिक एसिड और एक आर्थोसिलिसिलिक एसिड और एक पोलोसिलिसिलिक एसिड, तो ये पौधों को मोनोसिलिसिलिक या आर्थोसिलिसिलिक एसिड के रूप में पौधों को यह आसानी से प्राप्त होता है। यदि हम सिलिकॉन की मात्रा की बात यदि हम करें कि सिलिकॉन को हमें भैया उपयोग करना है तो इसकी मात्रा कैसे लगेगी, तो देखिए, यदि आप सिलिकॉन को मान लीजिए आपके खेत में ड्रिप नहीं है, तो ड्रिप के अलावा यदि आप स्प्रे में इसको लेना चाहते हैं तो 500 लीटर यदि पानी है तो उसमें आप इसको 200 लीटर पानी में 500 ग्राम मतलब आधा किलो ले लीजिए, और यदि आपके पास मान लीजिए 35 लीटर का है तो उसमें लगभग आप 20 से 30 ग्राम ले सकते हैं, और 15 लीटर यदि टंकी है तो उसमें आप 20 ग्राम के आसपास ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ड्रिप है तो ड्रिप में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ड्रिप में उपयोग करने के लिए प्रति एकड़ आपको 1 से 5 किलो, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा देना है कम, लेकिन 1 एकड़ में 1 से 2 किलो तो आपको सिलिकॉन उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि भैया आप कई बार सिलिकॉन चिपकों का उपयोग करते हैं, जिसमें कई बार आप जो एडजुवेंट लेते हैं उसमें भी सिलिकॉन होता है, तो आप उस रूप में भी इसको दे सकते हैं। सिलिकॉन बेस्ड चिपकों के रूप में जब आप देते हैं, चाहे ज़मीन हो चाहे स्प्रे हो, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ डिफरेंट क्रिएट होता है, पौधा हरा भरा रहता है और पौधे में जो स्ट्रेस की कंडीशन होती है वो नहीं आती। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे फ्रेश सिलिकॉन ही न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये 50 किलो में बैग में आपको मिलता है, तो इसको आप जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे आप सब्जियां लगा रहे हैं चाहे आप फसल लगा रहे हैं, तो समय आप DAP या पोटास दे रहे हैं, उसके साथ सिलिका को भी दे सकते हैं, और सिलिकॉन ऑक्साइड जितना खेतों में देंगे आपकी ज़मीनें उतनी सुंदर होगी, और ज़मीन सुंदर होगी तो पौधा सुंदर होगा, पौधा सुंदर होगा तो उसकी जड़ें बहुत अच्छी चलेगी, जड़ें अच्छी चलेगी तो पौधे का निर्माण बहुत अच्छा होगा। तो सिलिकॉन के ये ढेर सारे फायदे मैंने कुछ गिना है आपको, और ये सिलिकॉन एक महत्वपूर्ण तत्व होने के कारण, एक फंक्शनल न्यूट्रिएंट होने के कारण मैंने आपको ये जानकारी बताई। यदि आप सिलिकॉन को डालना शुरू करिए आपके खेतों में, और अगर आपके खेतों में इससे फ़ायदा होता है तो ज़रूरी मुझे बताइए, कमेंट्स करिए। मेरा वीडियो स्क्रीन मेरा जो है वो नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारा फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो सिलिकॉन के बारे में हमने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आशा करता हूं कि ये एजुकेशनल वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एजुकेशनल वीडियो है पूरा ही, आपको अगर ये इसमें कोई भी त्रुटि यदि होती है तो हमें ज़रूर क्षमा करें।